मैं तो आम आदमी पार्टी में खुश हूँ। अगर मेरी पूछो तो पढ़े लिखे लोग चाहिए जो अच्छा, देश अच्छा। का विकास करें, स्टेट का विकास करें, दिल्ली की तरह, दिल्ली की तरह जैसे दिल्ली का विकास करा था पीछे ही अब। हाँ बिल्कुल, जरा आम आदमी का आ जाओ, कोई अच्छा कैंडिडेट उसको मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब दिल्ली की डाला राज लाओगे तुम। भाई साहब क्या कुछ माहौल है इलेक्शन का? माहौल बढ़िया है, अभी शुरुआत हुई है प्रचार की। पार्टी का लागे माहौल है? माहौल तो भाई कांग्रेस बीजेपी अच्छा इनेलो सारे हैं का माहौल, सारे का माहौल है। हाँ। इसे एक पार्टी को नहीं ना, एक पार्टी सारे का क्या था, एक का तो होना चाहिए यार। एक पार्टी का कोई स्टैंड नहीं ना, कोई सी भी सारी पार्टी कोई नई नहीं, मेरा कैंडिडेट कौन आऊगा वो सोचे, मेरा कांग्रेस तो सोचे हाल में न्यू सुने जावा। हाँ अब वो बीजेपी की टिकट मांगा हो कांग्रेस की, हम किसने चाहो हो उस तो देखा जा सरकार के हिसाब से या हूँ हल्का। हाँ। के विकास के हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी में खुश हो सत्ता पक्ष है क्योंकि चार साल जाते हैं। हाँ चार साल सरकार धड़ल्ले से चल रही, कोई रुकावट तो है नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ बाकी आप INLD के सपोर्टर? हाँ INLD के सपोर्टर, क्या बात है इसी के खास बात आई? खास बात है INLD में जबान के पक्के हैं ना, जबान के धनी है। हाँ जबान के धनी है भाई सिंह। अच्छा अच्छा। हाँ दुष्यंत हो रहे? नहीं दुष्यंत नहीं यार, अब भाई सिंह की बात कह रहा हूँ मैं। INLD घर में तो है? अरे घर में तो है, घर में तो रौला बहुत रहे है ना, रौला बहुत रहे। हाँ मतलब है नहीं सही नहीं, तने सारी बात का ज्ञान है। अच्छा कांग्रेस तो क्यों जूतम जूत बात जाए कौन सी कांग्रेस है? एक रणदीप सुरजेवाला की, एक शैलजा की, एक इनका न्यू नहीं बेरा टिकट कौन सा? बीजेपी का माहौल है? हाँ बीजेपी का माहौल है, बीजेपी का माहौल है। INLD का आदमी है? INLD का। ये देखिए बताओ भी थोड़ा थोड़ा कांग्रेस का लाग गया फिर ताऊ राम राम है। राम राम भाई। ताऊ के कुछ भी होता इलेक्शन का ब्योत कैंडिडेट पर निर्भर करे, कैंडिडेट पर निर्भर करे, क्या बात है? कैंडिडेट तो पहले भी आया कर दिए, पहले आया कर दिए, फिर जो चाहे अगर दे तो बढ़िया नहीं भी। अच्छा कौन सा कैंडिडेट चाहो, किसने चाहो कैंडिडेट? देखे हैं मौके पर कौन सी पार्टी ने चाहो? पार्टी तो सारी कोई सी नहीं चाहती, कोई सी अच्छी भी होगी, कोई नई आ जाए तो फिर चाहो। नहीं तो JJP है ये बढ़िया, तो कोई सी नहीं। नहीं तो JJP है, JJP भी कोई नई नहीं, कोई नहीं JJP। फिर आप कौन सी पार्टी ने वोट देखा है जो को घना बढ़िया आजाद आ जाए तो? अच्छा आजाद भी आज के? आज क्यों नहीं सके, वो किसका है? के बेरा मैं आ जा। अच्छा तू आ जा, नाम मत मांगो, के बेरा आजाद नाम ले हुआ किसी अमन ने, आजाद उम्मीदवार की बात कर रहा है। इसी की बात है मुझे आजाद उम्मीदवार दे बताओ नु का यार, कोई आजाद भी आज के ताऊ नु ताऊ राम राम। राम राम भाई सुना ताऊ के कुछ ऐसे आपके था सिलेक्शन का? इलेक्शन तीन तरफा भी देख लियो कि तो लाओ तीन तरफा, तीन तीसरा कौन आ गया? तीसरा देखने लो रही बीजेपी रही कांग्रेस रही। अच्छा तो इन लो कांग्रेस और बीजेपी ये तीन है? JJP के JJP ने लो बराबर खाता ही दौड़ के एक घर है दो। अच्छा दे लेता उन दोनों का नरेंद्र, एक घर बताओ तो नो बताने का क्यों होया? नरेंद्र है और के नरेंद्र बताओ तो। अच्छा तो उन बता कौन सी पार्टी का माहौल लागे तेरे छोड़ भाई? फैला दे ऊपर लिखा तो बीजेपी का माहौल है क्योंकि बहुत सत्ता में आए है। अच्छा हाँ और देखो ये बात लवजताउन और पूछा है ताऊ राम राम भाई। राम राम तो क्या कुछ माहौल लग गया इलेक्शन रात ने? माहौल का तो ऐसा है बच्चे, यहाँ दो ही पार्टियों का वजूद है। कौन कौन सी है? कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा बड़े कौन सी है? बड़े दोनों ही बड़े हैं, यहाँ की सीट का अभी जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे ना। अच्छा उसके ऊपर डिपेंड करेगा किसका कैंडिडेट कितना छोटी नॉर्मली बात है। बीजेपी भी हड़ाल काला टिकट दे दे, कांग्रेस भी हड़ाल काला टिकट दे दे, फिर कौन सी भारी पड़ेगी भाई? उसमें फिर आदमी देखा जाएगा ना कौन सा थोड़ा है, आम समाज में आदमी का कोई वजूद होता है। अच्छा अच्छा राज रूज का कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं राज रूज का फंडा को मैं तो मानता नहीं, मैं तो ना तो बीजेपी में खुश ना कांग्रेस में। अच्छा यहाँ जमाना अभी चल रहा है बहुत हाई फाई। अच्छा आप JJP में खुश हो? नहीं और? मैं तो आम आदमी पार्टी में खुश हूँ, अगर मेरी पूछा तो पढ़े लिखे लोग चाहिए जो देश का विकास करें, स्टेट का विकास करें, दिल्ली की तरह, दिल्ली की तरह जैसे दिल्ली का विकास करा था पीछे ही अब। हाँ बिल्कुल विकास चल रहा है और क्या, विकास के अलावा कुछ नहीं है। ताऊ ने बताया दिल्ली का विकास करा जो पाछे ही उषा सा विकास ही है। राम राम भाई। राम राम भाई इसमें दे दे राजेश भाई। हाँ भाई वो भी है के कुर्सी के पट्टे में बोल लगे थे ना भाई। हमने कौन भी रहा? हम कौन भी रहा? ना भाई हमने नहीं भी रहा। वोट कौन भी रहा था? दूसरे के रहा तेरी ये अनपढ़ है, ये ताई बैठी है, ये डाटेंगी मोर्चन है,
इन तो जाना है के कुछ माहौल है के कुछ नहीं देख भाई के कौन किसके पार्टियाँ माहौल है ताई राम राम ताई कौन सी के पार्टियाँ माहौल लग गए हैं इलेक्शन में भाई कोई भी नहीं नो पूछा हाँ भाई कांग्रेस का माहौल है बीजेपी का है ना भाई मारते किसो का नहीं किसी माहौल नहीं निशा के कारण हो गया और कोई फायदा नहीं पढ़ेंगे और तो इतना के हिसाब लग गए भाई बके बता सकते कोई भी नहीं बताऊंगा दो मिनट और इसकी सुन लिया और फिर अगला काम में सर कहे भाई दे भाई ये ताऊ ताऊ की एक बार सुन लिया सरपंच साहब है देखिये भाई बोटाना गांव का सरपंच है भाई कहने के लिए भाई वैसे सरपंच नहीं है भाई सरपंच बोल आ दे भावी सरपंच भाई सरपंच पद के भाई सरपंच पद का उम्मीदवार है बोटाना गांव से अगर भाई लोग देख जो देखने वाले हमारे चैनल को बोटाना गांव के भावी सरपंच पद के उम्मीदवार है भाई साहब डीएन हरियाणा पर आपका स्वागत है धन्यवाद भाई साहब इलेक्शन है के कुछ माहौल लगे भाई साहब अभी आप एक चीज बताओ आप में कई दिन हो गए यहाँ घूमते हो माहौल का तो आपको ही पता आपने कभी गाँव का विकास की बात करी है भाई गाँव का क्या विकास होना चाहिए क्या होना गाँव का विकास है जब विकास होगा उससे जिसने विकास कराया उससे वोट दोगे नू तो है नहीं जो विकास नहीं करा रहे उसने कोई नहीं तो तक... थारा किसी ने विकास कराया आज तक करा? किसी ने करा रखे किसी ने नहीं कराया गांव में देखते होगे घूम मैं भी होगा गांव आपसे सिर्फ ये बात पूछूं भाई आप कौन सी पार्टी जिताओ कौन सी तो विकास कराया एक ने तो भाई बोलो देख यार तो ना लो कांग्रेस ने करा लिया इतनी 10 साल कांग्रेस भी रहेगी वो भी अपनी नीति वो निकालगी ऐसा ही बीजेपी का ये बीजेपी का तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट आज तक जीता नहीं है वो तो बीजेपी आएगी या ना आएगी समय बताएगा लेकिन कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है भाई कांग्रेस और बीजेपी में से कौन अच्छा कैंडिडेट देता है अच्छा वो तो उनके ऊपर है जब उस हिसाब से चलोगे हाँ उस हिसाब से चलेगा और रही बात ये दूसरी ये जो विरोधी हल्का का इलेक्शन है ये दोबारा होना है ये 2024 की वो है राजनीति अच्छा यानी कि यहाँ से जो कैंडिडेट विजय बनेगा वो 2024 की तरफ कदम बढ़ाएगा अच्छा वही पार्टी चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो तो मतलब यार हमने 2024 तो मतलब थोड़ी हमने तो हल्का विकास था ये आप पे तो तुमने का हमारा गांव का विकास नहीं करा हमारा हल्का किसी ने तो हम जय घर तबार अकादमी ना यार पकड़ के रखोगे जब हम किसी ने पकड़ कर एमएलए जब हम रूलिंग पार्टी का नहीं बनाते तो हम कैसे विकास करा नहीं एमएलए तो एमएलए ही होता है चाहे वो रूलिंग का हो विपक्ष का हो भाई एमएलए को तो वो तो मिलता है अपनी ग्रांट तो मिलती है ग्रांट मिलती है वो लगाओ लगातार 3 योजना तो तेरा INLD करा यहाँ से और लगातार 3 कांग्रेस का रहा तो विकास नहीं कराया क्या कुछ नहीं कराया कोई विकास नहीं होया बाकी जो होया थोड़ा बहुत होया वो बाकी सरपंच का हो गया मतलब कोई विकास नहीं कराया इन पार्टियां ये तो आप देख लो यार इस गांव में घूम के देख लो इधर सरपंचों का विकास कराया इन्होंने और इन्हें तो विकास कराया नहीं INLD ने कराया नहीं भाई कांग्रेस ने कराया सरपंचों का कराया है नहीं ये वोट किसने दोगे फिर तुम बचगी पार्टी बीजेपी पार्टी तो जो कैंडिडेट के ऊपर है भाई वो बीजेपी का अच्छा आता है या इसका कांग्रेस का अच्छा आता है या मतलब फिर भी कांग्रेस ने वोट दोगे वैसे विकास नहीं कराया कांग्रेस को वोट कैंडिडेट को वोट मिलेगी कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगी उड़ने वोट नहीं देंगे यार कांग्रेस का कोई जिक्रा नहीं इसमें कैंडिडेट का जिक्रा आम आदमी का आ जाओ कोई अच्छा कैंडिडेट उसको मिल जाएगी अच्छा अच्छा मतलब दिल्ली की राज लाओगे तुम आ जाए तो अच्छा है बिल्कुल देखो भाई इनका आम आदमी का राज होना चाहिए दिल्ली की डाल है और आप बने